नमस्कार, आवानी 24 में आपका स्वागत है। सिकराय उपगण क्षेत्र के डूंगर सिकराय रोड पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने नालियों का निर्माण नहीं करवाने से गंदा पानी सड़क पर पसरा रहता है। ऐसे में दूषित पानी से बढ़ते कीचड़ गंदगी से मोहल्ले वासियों व आने जाने वाले राहगीरों को हर दिन परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। मच्छर पनपने से खुले में बैठना दूभर हो गया है। सिकराय उपगण क्षेत्र में नालियों का निर्माण नहीं करवाने से ग्रामीणों में रोष है। कस्बे में पुरानी नालियों के क्षतिग्रस्त होने व नई नालियां नहीं बनाने पर घरों से निकलने वाला दूषित पानी सड़कों पर बहता है। इससे कीचड़ व गंदगी बढ़ने पर आवागमन में हर दिन लोगों को परेशानी करनी पड़ती है। मौसमी बीमारी फैलने का डर सता रहा है। कस्बे का सौंदर्यकरण प्रभावित हो रहा है। परेशान ग्रामीण कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कस्बे की आबादी बढ़ने के साथ ही यहां सड़कों का निर्माण करने के साथ कई जगह नालियां बनाई, लेकिन लंबे समय से साफ सफाई के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रही। वहीं नालियां नहीं बनाने से कई घरों में निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर की चढ़ते चलते आवाजाही की आमजन को इस तरह की समस्याएं लगातार सता रही हैं। ग्राम विकास अधिकारी पुरुषोत्तम पारासर का कहना है कि यह नियमित सफाई जहां पर नाली नहीं है वहां पर नाली बनाएंगे। सड़कों पर जमा हो रहा दूषित पानी हर रोज की परेशानी का सबब बना है, इसका भी समाधान किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे नाली भी नहीं है, नाली का भाव बहुत कम है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाली पहले से यहाँ थोड़ी बहुत बनी हुई थी, लेकिन वो बंद हो गई, उसकी वजह से यहाँ पानी भरा रह जाता था। इसके लिए कई बार श्रीमान SDO साहब के यहाँ जन सुनवाई में ग्राम पंचायतों में शिकायतें प्राप्त हुई है भाई, इस कीचड़ का कैसे भी निस्तारण करवाया जाए। इसलिए यहाँ अस्थायी व्यवस्था की गई है, एक गड्ढा खुदवा करके ताकि पानी उसमें सूखता रहे और आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो, इस सुविधा को ध्यान में रखने के लिए ये सफाई करवाई गई। सर, ये सफाई कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये तो अब अस्थायी व्यवस्था है, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इस पर नियमित रूप से ध्यान दे करके और आगे भविष्य में यहाँ पे सर ब्लॉक अधिकारी का भी ऑफिस है और पुलिस चौकी का भी अभाव है, इसकी वजह से नाली का कोई अभाव नहीं है यहाँ पे, तो नाली की भी समस्या बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नाली यहाँ PWD ने पहले से बनाई हुई है, लेकिन उसकी सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है, इस वजह से अधिकांश नालियाँ भरी हुई है। अब इनको कोशिश करेंगे कि भाई ये पूरी नालियाँ साफ हो और व्यवस्थित रूप से चालू